हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी का टाइम है 11, तो सुबह के बज गए 11 और हम हो गए हैं तैयार। और आज हम कहीं जा रहे हैं और आज है कुछ स्पेशल डे। तो आज का व्लॉग होने वाला है बिल्कुल धासू और बिल्कुल बढ़िया मुंकुल मजेदार। तो गाइस वीडियो पे बने रहिएगा। और हमारा बाबू भी उठ गया है हमारे साथ साथ ही, मतलब जब हम उठते हैं तो वो तभी उठ जाता है। तो अभी तो हम कहाँ जाएंगे अभी तो हमें नहीं पता, क्योंकि पतिदेव भी लेके जा रहे हैं, जहाँ भी लेके जा रहे हैं। तो हस्बैंड जी गए हैं नहाने और आज उन्होंने करी है छुट्टी, क्योंकि आज क्या है तो ये आपको ब्लॉग में पता लगेगा आगे। तो ब्लॉग पे बने रहना। और हमने तो यही वाला सूट वेयर किया है, अभी एनिवर्सरी पे पहना था तो आज सेकेंड टाइम पहना है। तो गाइस ये रहा हमारा बाबू। बाबू हेलो कटो, हेलो गाइस, ये रहा हमारा बाबू प्यार। कैसे हो? कैसे हो? चलो बोल दो गुड मॉर्निंग। तो चलिए गाइस, मैंने कहा चलो अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस वही उठ तो जल्दी गए थे, पर वही नहाने धोने में थोड़ा टाइम लग गया। गाइस बिस्तर वगैरह भी अच्छे से सेट कर दिया है और ये कम्बल वगैरह तैल लगा दिए, क्योंकि मैंने कहा बिस्तर सो के उठ के सबसे पहले होता है बिस्तर साफ करना, पर हमारे बाबू ने देखो वहाँ बेकार कर दिया। और ये देखो क्या ड्राइंग बनाई है, देखो ये देखो क्या कर रहे बाबू, ये देखो बाबू की शरारते। बाबू छिच्छी का छिच्छी, मम्मा का मम्मा, इसकी हरकतें देख लो जरा। हैप्पी बर्थडे टू यू, कुछ कुछ चाय बिस्किट खा रहा मेरा बाबू, बिस्किट पहली बार बिस्किट खा रहा मेरा बाबू। हाँ पिछ पिछ चाय। बाय कर दो, बाय बाय फ्रेंड्स। तो गाइस देखा आपने हमारी बाबू की नौ टंकियां। तो चलिए गाइस अभी हम आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे। तो देखिए गाइस हम चल दिए हैं मंदिर की ओर, और मंदिर हमारे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये देखिए हम आ गए हैं मंदिर, और मंदिर के बाहर ही ये शॉप थी प्रसाद वगैरह की। तो यहाँ से पति देव जी ले रहे हैं प्रसाद, और हस्बैंड जी मुझे लेके आए थे यहाँ पे। तो मैं पहली बार ही मंदिर आई थी, मतलब शादी के बाद पहली बार मंदिर आई थी। तो बहुत सुंदर मंदिर था यहाँ पे, और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। और कहा जाता है कि ये मंदिर मतलब चमत्कारी मंदिर है, यहाँ पर हर इंसान की इच्छा पूरी होती है। तो मैंने कहा चलो आज जन्मदिन की शुरुआत और नए साल की शुरुआत क्यों ना बजरंग बली के आशीर्वाद से की जाए। तो गाइज़ हम यहाँ पे आ गए हैं बाबा के दर्शन करने, हनुमान बाबा के दर्शन करने। और सच में गाइज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हनुमान बाबा के, भगवान आपकी इच्छा भी पूरी करें, जो आपकी मनोकामना है हनुमान बाबा पूरी करें। तो गाइज देखिए यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से पूजा करी, और वो देखिए हस्बैंड जी भी पूजा कर रहे हैं, और वो तो हस्बैंड जी हमारे ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हनुमान जी की आरती भी है। तो ये देखिए सुंदर सुंदर दिए जल रहे हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे हम प्रसाद चढ़ा रहे थे, दिया जला रहे थे, तो बाबा का आशीर्वाद ले रहे थे कि बस जल्दी से सारी मनोकामना पूरी करे सबकी हनुमान बाबा। तो देखिए गाइस अब हम लगा रहे हैं परिक्रमा। तो यहाँ पे परिक्रमा भी लगाते हैं लोग, तो हमने कहा चलो ये काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं परिक्रमा और वीडियो बना रहे हैं हमारे हस्बैंड जी पहली बार। तो देखिए गाइज यहाँ पे आके बहुत ही संतुष्टि मिली, बहुत ही अच्छा लगा। तो बाबू को, और बाबू हमारा घर पे हैं, उसको हम घर पे छोड़ के आए थे, और अब हम चल दिए हैं वापस घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो गाइज हम आ गए हैं मंदिर से, और मंदिर में जाके बहुत अच्छा लगा। आज गए हम मंदिर, तो आज क्या है तो आज है हमारा बर्थडे। तो गाइज चलो हम आपको बता ही देते हैं। तो आज बर्थडे है हमारा, और आज है 10 जनवरी, और आज आने वाले हैं घर में गेस्ट, और बहुत सारा काम है आज, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं और खाना भी बनाना है, और अभी हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ है। नो गिर जाएगा,
और हमारा भी कुछ भी काम नहीं हुआ है, बस मंदिर होके आए हैं और बस गया है डेढ़ और घर की हाल की हालत। ये देखो ये सामान इधर पड़ा, इधर पड़ा ये सामान, वो सामान इधर, ये यहाँ से हटाइए हमने अलमारी बाबू वाली, ये गंदा हो रखा है यहाँ पे, और वहाँ से भी हटा दिया अपना ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल भी हटा दिया यहाँ से। गाइस यहाँ से सामान वगैरह ये देखो हटाया है तो यहाँ गंदा वगैरह हो रहा है, तो ये साफ सफाई करनी है। और अभी कुछ खाया भी नहीं है तो समोसे लेके आए आज, तो मैंने कहा थोड़ा सा समोसे खा लेते हैं आज, और आज डाइटिंग को करते हैं थोड़ा सा दूर। गाइस बर्थडे वाले दिन थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए हमें, तो आज थोड़ा डाइटिंग को करते हैं अवॉइड और थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, ज़्यादा नहीं। और खाएंगे हम अपने उसी फॉर्मूले से, जो हमारा फॉर्मूला कहते हैं ना, कुछ भी खाओ पर उस तरह से खाओ तो इतना असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो उससे इतना ही पेट भर जाता है। 32 का फॉर्मूला जो हम अपना रहे हैं उसको हम जारी रखेंगे, बस थोड़ी सी फ्रीडम हमें चाहिए आज अपने बर्थडे वाले दिन। तो चलिए गाइस फटाफट से ये साफ सफाई करनी है, खाना पीना भी बनाना है, तो करते हैं अपने काम पे लगते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। और बाबू को मैंने लाना है अभी, ये हमारे बाबू जी, बाबू जी बाबू नहाया भी लिया, अभी बाबू को ले जा रही हूँ, नहला के लेके आऊंगी। तो गाइस हमारा बन रहा है खाना, तो बर्थडे की खाने की तैयारी हो रही है और अब दिन का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो सब्जी एक तो हमारी बन गई है और एक बनने वाली है मटर पनीर की, तो ये देखिए बन रही है सब्जी, गोभी आलू की सब्जी बनी है ये। और मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, तो मैंने कहा चलो अब कर लेते हैं। तो ये गोभी आलू की सब्जी बन चुकी है और यहाँ बन रही है हमारी मटर पनीर, तो बनाते हैं मटर पनीर की सब्जी। तो देखिए गाइस यहाँ पे हम बना रहे हैं मटर पनीर, और साथ में हमारे फ्रेंड जिनसे हमने आपको पहले भी मिलवाया था, ये हमारे मतलब जो हमारा फ्लोर है उसके ऊपर वाले फ्लोर पे ही रहती हैं। तो यहाँ फटाफट से तैयारी हो रही है मटर पनीर की, और गोभी आलू तो हमने बना दी थी जैसे कि हमने आपको बताया, और अब बन रही है हमारी मटर पनीर, तो बस इसी की तैयारी हो रही है जल्दी जल्दी कि फटाफट टाइम से काम हो जाए सारा। और ये देखिए ये ग्रेवी हमने तैयार करी है। तो गाइस हमारा खाना पीना तो सब बन ही गया था और वो हमने ज़्यादा शेयर नहीं किया। तो ये देखिए ये है हमारे रूम की डेकोरेशन जो कि है हमारे हस्बैंड जी ने, तो ये हमारे लिए एक सरप्राइज़ ही था, तो क्योंकि हम तो बाहर खाना बना रहे थे और अंदर उन्होंने ये सब किया, और गेस्ट वगैरह भी हमारे सारे आ चुके हैं, तो जैसा भी किया जो भी थोड़ा बहुत टाइम था वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो पहली बार ऐसा बर्थडे हमारा मनाया है, मतलब शादी के बाद पहली बार ऐसा बर्थडे हमारा मनाया है, और बहुत अच्छा लगा ये सब हमें भी। तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी और हमारा रूम भी सज चुका है, तो ये देखिए हैं, और हमारे गेस्ट भी आ चुके हैं सारे के सारे, और खाना भी हमारा बन चुका है। तो खाना मैं अभी आपको दिखाऊंगी, पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ड्रेस। तो गाइस देखिए हमारी ड्रेस, चलिए गाइस अब हम करते हैं वीडियो का एंड, और इसका अब नेक्स्ट पार्ट आएगा वो भी आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।